संध्या आप सभी को। आप लोगों ने प्रथम चरण के नाटक के में देखा होगा कि श्री रामधारी सिंह किंगर जी ने लिखी हुई कृति में श्री कृष्ण को युद्ध के लिए चेतावनी दी। अब हम इस चरण में देखेंगे कि श्री कृष्ण ने चेतावनी के बाद महाभारत को युद्ध कैसे हुआ। युद्ध को रोकने के लिए युधिष्ठिर एवं भीम पितामह अंतिम प्रयास कैसे किए। प्रणाम पितामह। विजय भव। पितामह, आप जानते हैं ना कि यह युद्ध सही नहीं है, फिर भी यह युद्ध दुर्योधन के अहंकार के कारण हो रहा है। हम सभी एक ही परिवार के हैं पितामह, हम सभी परस्पर भाई बंधु हैं पितामह। क्या इसे रोकने का कोई रास्ता नहीं है पितामह? मैं जानता हूँ पुत्र कि युद्ध सही नहीं है, परंतु दुर्योधन की प्रतिज्ञा के लिए मैं बाध्य। वह मुझे बचपन से ही अपने पिता समान मानता है और मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता पुत्र। फिर भी पितामह, इस युद्ध में हम सभी अपने अपनों का ही खून बहाएंगे, जो हम सभी के लिए सहज नहीं होगा पितामह। मैं जानता हूँ पुत्र कि ये दृश्य ना तुम्हारे ना मेरे ना इन सभी के लिए भाएगा, परंतु अब इस युद्ध को ना तुम ना मैं ना ये सब कोई नहीं रोक सकता। अब यह युद्ध होकर रहेगा। मैं विवश हूँ पुत्र। प्रणाम पितामह। महाभारत के युद्ध में हम अभिमन्यु एवं अन्य पांडव के संतान को घायल देखकर द्रौपदी एवं सुभद्रा कृष्ण की समाप्त करते हुए गोविंद कोई चिंता सखी गोविंद अंगराज कर और सभी कौरवों ने मेरे पुत्र अभिमन्यु पर प्रहार किया है। गोविंद, मेरे पुत्र को घायल किया है। गोविंद, हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। गोविंद, उत्तर दीजिए। क्या ये समय तुम्हारे संतानों की मृत्यु के लिए सच होने का समय है? यही पूछना चाहती हो ना तुम सखी? कौन सा समय मृत्यु के लिए सच होने का समय नहीं होता? मृत्यु का कोई क्षण निश्चित नहीं होता, किंतु मृत्यु तो हर क्षण निश्चित होती है। किंतु मैं अपने संतान की मृत्यु पर सच किस प्रकार हो सकती हूँ? गोविंद, मेरे छह संतानों की मैं ध्वनि ही नहीं सुन पाऊंगी, तो मैं इस संसार की कोई ध्वनि नहीं सुन पाऊंगी। गोविंद, हमारी संतानों के नेत्र अगर बंद हो गए तो इस संसार में मेरे देखने योग्य कुछ नहीं बचेगा। गोविंद, कुछ कीजिए। गोविंद, कुछ कीजिए। सुभद्रे, शांत हो जाओ। पांडवों का भविष्य ही इस संसार का भविष्य है। जी गोविंद। जिसका डर था वही हुआ, जिसका डर था वही हुआ। अभिमन्यु को वीरगति प्राप्त करने पर द्रौपदी और सुभद्रा का विलाप। द्रौपदी, कैसे शांत हो जाओ? कैसे? हत्या का बदला हत्या से नहीं लिया जा सकता। धर्म का मार्ग अलग है। समय आने पर दुष्कर्मियों को उनके पाप का फल भोगना ही पड़ेगा। युद्ध के उपरांत पांडव के विजय के बाद दुर्योधन एवं अश्वत्थामा का संवाद। दुर्योधन, मित्र,
दुर्योधन, अब युद्ध खत्म हो गया है, हमें हार को स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहिए। मित्र, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। मैं हार चुका हूँ लेकिन झुका नहीं हूँ। युधिष्ठिर ने भले ही राज्य जीत लिए हो लेकिन उसने धर्म नहीं माना। मेरे भाई और साथियों का मृत्यु का बदला चुकाए बिना उसे राजा कहलाने का अधिकार नहीं है। तो ठीक है मित्र, तुम्हारे इच्छा के अनुसार मैं यह प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं अश्वत्थ होऊंगा, पांडवों को वध किए बिना कभी मृत्यु को प्राप्ति नहीं करूंगा। आज्ञा दो मित्र, आज्ञा दो। महाभारत के युद्ध के बाद महाराजा युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक। महाराज युधिष्ठिर की, महाराज युधिष्ठिर की जय हो। महाराज युधिष्ठिर की जय हो। महाराज युधिष्ठिर की जय हो। जय हो महाराज युधिष्ठिर की जय हो। द्रौपदी, तुम्हारे मन में कौरवों के प्रति बदले की भावना नहीं रही? सुभद्रा, युद्ध समाप्त हो चुका है, मेरे मन में शांति और न्याय की उम्मीद है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है, इस युद्ध ने हमें कई सीख दी, धर्म क्षमा युद्ध सब पर कैसे निरंतर पा सकते हैं। जो जैसा कर करेगा उसको फल अवश्य भोगना पड़ेगा, किंतु मैं हर युग में जब जब पाप पड़ेगी